चंदनपुर नाम के गांव में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। वो टुनटुनी से नफरत करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का जन्मदिन था। वो रास्ते से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे केक दिखाई देता है जो दिखने में बहुत सुंदर और चमकीला था। वो उसे अपने बैग में रखकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ उसके स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते हैं। अरे टुनटुनी, सुना है आज तेरा जन्मदिन है, तो हम सब ने आज तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तू यहाँ रुक, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर कीचड़ डाल देते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तुम सब बहुत बुरे हो, आखिर मुझ गरीब को परेशान करके तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। लेकिन तभी अचानक टुनटुनी के बैग से वो केक बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है और उस पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा बैठी थी। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है टुनटुनी, अब मैं सभी बुरे पक्षियों को सबक सिखाकर तुम्हारी बेइज्जती का बदला लूंगी। तभी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा अपनी जादुई केक की शक्ति से वहाँ एक बहुत बड़ी कैची प्रकट कर देती है। फिर देखते ही देखते वो कैची सभी पक्षियों के बालों को काट कर उन्हें गंजा बना देती है। अरे, इस जादुई केक ने तो हमें गंजा बना दिया, ये तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब मैं तुम सभी को बदसूरत बना दूंगी, फिर सभी पक्षी तुमसे नफरत करेंगे। ये सुनकर वो सब टुनटुनी से माफी मांगते हैं। फिर टुनटुनी जादुई केक और भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा को अपने घर ले जाती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना टुनटुनी, देखो मैं तुम्हारा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाती हूँ। उसके बाद भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा उस केक को खूबसूरत घर के रूप में बदल देती है। ये देख टुनटुनी बहुत खुश होती है। उसके बाद उस घर के अंदर ढेर सारे केक बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए गांव के सभी पक्षियों के घर में जाने लगते हैं। ये देख सभी गांव वाले हैरत में पड़कर उस जादुई केक घर के पास आ जाते हैं। आज टुनटुनी चिड़िया का जन्मदिन है, तुम सब लोग पेट भर के खाओ, साथ ही तुमको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलेगा। ये देखकर सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और टुनटुनी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। वहीं ये सब देखकर टुनटुनी की सौतेली माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे सुन टुनटुनी, अपनी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा से कहकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दिलवा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। अच्छा, तो तुम्हें सोने के सिक्के चाहिए, ठहरो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर वो जादुई केक घर से सौतेली माँ के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। वो जैसे सिक्कों को हाथ लगाती है, तभी सिक्के बड़े बड़े सांप के रूप में बदल जाते हैं। अरे सांप ने मुझे काट लिया, अरे कोई बचाओ मुझे, हाय मेरे बदन पे सांप लिपट गए, अरे कोई मुझे बचाओ। फिर सुंदरी कौवी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। ये देख टुनटुनी जोर जोर से हंसने लगती है। कैसा लगा टुनटुनी, तुम्हें मजा आया ना? सुनो, ये जादुई केक घर तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है, तुम्हें इसके अंदर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब से तुम खुशी खुशी इस जादुई केक घर में रहना। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी जादुई केक घर में रहने लगती है। समीपुर गांव में भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो काला जादू करने में माहिर थी। हर रात वो अपने घर में काले जादू का प्रयोग करती थी। इसी तरह एक दिन वो अपने काले जादू की शक्ति से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है। अरे वाह, आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने भूतिया लहंगा तैयार कर लिया है। इस भूतिया लहंगे के जरिए मैं गाँव की सभी चिड़ियाओं को परेशान करूँगी। फिर अगले दिन उस भूतिया लहंगे को लेकर गांव में चली जाती है। उस दिन टुनटुनी नाम की चिड़िया की शादी थी। वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है। सुनो टुनटुनी, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, तुम्हारे घर वाले शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये खूबसूरत लहंगा लेकर आई हूँ। ये लो, इसे रख लो।
ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और उस लहंगे को पहनकर वो अपने ससुराल चली जाती है। फिर रात में उसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। तभी उसका पति कहता है, अरे ये क्या हो गया, तुम इतनी डरावनी कैसे बन गई? ये सुनकर वो उसे बहुत मारती है और सीधा जंगल में भाग जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 प्लस 56 कितने होते हैं। दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है और उस लहंगे को एक दुल्हन को दे देती है। वो दुल्हन भी टुनटुनी की तरह रात को अपने पति की खूब पिटाई करती है और जंगल में भाग जाती है। इस तरह वो बहुत सारे पक्षियों को वो भूतिया लहंगा दे देती है। ये बात गाँव में आग की तरह फैल जाती है। फिर जंगल के पक्षी कहते हैं, अरे भाई हमारे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? जिस चिड़िया की भी शादी होती है वो अपने पति की पिटाई करके भाग जाती है। मैंने सुना है इस तरह 15 चिड़िया घर से भाग चुकी हैं। तभी वहाँ से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल कर गुजरती है। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा मौजूद था। उसे देख गाँव वाले चौंक जाते हैं। अरे भाई ये टूनी इतना सुंदर लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? इससे पहले भी मैंने इसे इसी तरह लहंगा ले जाते हुए देखा था। आखिर ये सारे लहंगा कहाँ से लेकर आती है? इसके तो कपड़े की दुकान भी नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। ये कहकर वो पक्षी रात में उसके घर जाते हैं। उसकी खिड़की से देखते हैं तो घबरा जाते हैं। वो अपने असली रूप में बैठी थी और अपने कमरे में आग जलाकर काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी। और तभी अचानक से आग से एक सुंदर लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने बहुत सारी चिड़ियाओं को अपने भूतिया लहंगे के जरिए जंगल में भेज दिया है। बहुत जल्द मैं इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव की सभी पक्षियों को इसी तरह भूतिया लहंगा देखकर उन्हें जंगल में भेज दूंगी। उनके घर वालों को परेशान होता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, ये टूनी तो बहुत ही निर्दय और दुष्ट भूतिया चिड़िया की आत्मा है। चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। उसके बाद सब गांव वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन सबको अचानक देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घबरा जाती है। अरे नहीं, लगता है इन पक्षियों को मेरी असलियत पता चल गई है। मुझे इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गांव वालों से पकड़ कर रस्सी से बांध देते हैं। फिर गांव के चौराहे पर ले जाकर खम्भे के ऊपर लटका देते हैं। चलो भाइयों, इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को जमा कर इसका अंत करते हैं, वरना ये इसी तरह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। उसके बाद वो सभी पक्षी उसके शरीर में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं। अरे नहीं, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा तड़पते हुए जलने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही उसकी काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और जंगल से गायब हुई सभी चिड़ियाएं वापस अपने अपने घर लौट आती हैं। भैरवपुर गांव में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। उसके दोनों पंख सोने से बने थे, साथ ही उसके दोनों पंखों से ढेर सारे सोने के सिक्के भी बाहर निकलते थे। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा जंगल के आसपास रहने वाली गरीब पक्षियों की मदद के लिए किया करती थी। टूनी, तेरा इस तरह पक्षियों के बीच जाना ठीक नहीं है। सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते। उनमें से बहुत से पक्षी बहुत लालची और धोखेबाज होते हैं। तेरी ये आदत एक दिन तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा, मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए मैं पक्षियों की भलाई का काम मरते दम तक करती रहूँगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। उसके किनारे एक चिड़िया आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। अरे ये क्या, लगता है ये चिड़िया यहाँ अपने जीवन का अंत करने आई है। मुझे तुरंत जाकर इसे बचाना होगा। उसके बाद वो उस चिड़िया के पास पहुँच जाती है। तब तक आप लोग कॉमेंट में बताए 34x2 कितने होते हैं। आखिर तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है कि जो तुम आत्महत्या करने आ गई?
भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरी सास बहुत लालची है। वो मुझे अपने मायके से ढेर सारे पैसे लाने के लिए परेशान करती है। इतना ही नहीं, वो रोज गर्म चिमटे से मेरे पंखों को जलाती है। अपने सास के अत्याचार से मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। आत्महत्या करना पाप है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने हाथों से वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के निकालने लगती है। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं। अब तुम इन सोने के सिक्कों के जरिए अपनी लालची सास को अपने इशारों पे नचा सकती हो। आज के बाद तुम्हारी सास दुम हिलाती हुई तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। उसके बाद वो चिड़िया सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह एक दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक गांव की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में कुएं के पास उसे दो पक्षी रोते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? हमारा छोटा भाई इस गहरे कुएं के अंदर गिर गया है, अगर जल्दी से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं अभी कुएं के अंदर उतरकर तुम्हारे भाई को बाहर ले आती हूँ। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुएं के पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो दोनों पक्षी पीछे से धक्का देकर उसको कुएं के अंदर गिरा देते हैं। चल जल्दी से पिताजी को फोन करके बता दे कि हमने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पकड़ लिया है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाहर निकलकर तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। लेकिन तभी कालू कौवा कुएं के अंदर एक जादुई रस्सी फेंक देता है और अगले ही पल वो जादुई रस्सी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पूरी तरह जकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जादूगर पहुँच जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को कब्जे में लेकर बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं इसके दोनों सोने के जादुई पंखों को काटकर तुम दोनों के शरीर में जोड़कर तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा आ जाता है। फिर वो अपने जादू से उन तीनों की आँख में लाल मिर्च डाल देता है। हाय माँ, मर गया रे, मेरी आँख जल रही है, अरे कोई पानी दे दो, अरे कोई मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से, ये तो बहुत खतरनाक है, हम इससे नहीं जीत पाएंगे, चलो भागो यहाँ से। फिर वो तीनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को वो आजाद कर देता है। देख लिया ना टूनी, मैंने तुझे कहा था ना कि सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते, इसलिए आज के बाद तू कभी किसी पक्षी पर इस तरह आँख मूंद कर भरोसा मत करना। हाँ तुमने सही कहा, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। फिर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं। उस दिन के बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पूरी तरह सतर्क हो जाती है।